7 दिन 6 दिन वाला यूनिवर्स बता दो, वो एक यूनिवर्स बता दो। रान तो उतरी गई यहाँ पे पृथ्वी पे ना, इंडिया में यहाँ पे उतारी गई ना, अरब के अंदर उतारी गई ना, वो किसी दूसरे दूसरे यूनिवर्स में तो नहीं उतारी गई। यूनिवर्स तो एक ही है, यूनिवर्स दो नहीं है। आप सूरज सर, दूसरा यूनिवर्स जो होता है ना सर, उसके भी टाइमिंग सेट अलग होती है किसी के। यूनिवर्स एक है सर, आप तो आर्किटेक्ट हैं, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए। यूनिवर्स एक है, अल्लाह ने सारा डिटेल दे दिया, धरती का बिछाना, पहाड़ का गाड़ना, झरनों का बहाना, सब कुछ बता दिया अल्लाह ने। मगर अल्लाह ने ये नहीं बताया कि टाइम का कैसे ओरिजिन हुआ, टाइम को बनाया गया। तो सूरज से पहले टाइम को, ताकि मैं और आप आसानी के साथ उस टाइम को काउंट कर ले। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये था कि जहां सूरज नहीं है वहां वहां टाइम है कि नहीं? आपने कहा वहां टाइम है, वहां कैसे काउंट होता है? मुझे बता दीजिए वहां टाइम कैसे काउंट होता है। वेरी गुड सर, मतलब अल्लाह ने पहले ये वाला यूनिवर्स बनाया अपने वाला, अरे यूनिवर्स सूरज वाला, फिर बाद में दूसरे बनाया, तो यहाँ के लिए अलग मतलब हिसाब बताया ये वाला यूनिवर्स ऐसा है। मैं समझता हूँ कि आपसे साइंस के ऊपर बात करना टाइम का जिया होगा सर, आप लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिवर्स एक है या फिर दो। पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फनी टाइटल, और आप लोगों ने देखा है थंबनेल में, बहुत ज़्यादा फनी लग रहा होगा आपको कि यूनिवर्स तो एक ही है, फिर ये दो कहाँ से आ गया? तो ये आया है जनाब अनिल आर्या जी की तरफ से। अनिल आर्या जी का सवाल है कि इस यूनिवर्स में जो टाइम हम काउंट करते हैं वो तो सूरज के जरिए से करते हैं, सोलर सिस्टम को शायद वो यूनिवर्स समझ रहे हैं, लेकिन जो दूसरा यूनिवर्स है वहाँ पर टाइम कैसे अल्लाह काउंट करता है? तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना, और साथ ही साथ आप ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि यूनिवर्स कितने हैं। मुझे भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे भी जानना चाहिए कि यूनिवर्स एक है, दो है या फिर 4-5 है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता दीजिए, और चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मेरा अब देखिए सर, 7-6 सर, वो 7 दिन 6 दिन वाला यूनिवर्स बता दो, जहाँ पे 7 दिन 6 दिन वाला, सोमवार मंगलवार बुधवार वाला, वैसे क्या मतलब यूनिवर्स था? दोबारा बोलिए, नहीं समझा मैं सर। वो एक यूनिवर्स बता दो, यूनिवर्स तो एक ही है, कुरान अवतरित हुई, तो कुरान तो यही अवतरित हुई थी। अच्छा, इंट्रोडक्शन था इनका आर्किटेक्ट नाम से, ये पूरा यूनिवर्स बनाया गया। कुरान तो उतरी गई यहाँ पे पृथ्वी पे ना, इंडिया में यहाँ पे उतारी गई ना, अरब के अंदर उतारी गई ना, और किसी दूसरे दूसरे यूनिवर्स में तो नहीं उतारी गई। सही बात है, यूनिवर्स तो एक ही है ना सर, यूनिवर्स तो एक ही है, यूनिवर्स दो नहीं है। आप सूरज सर, दूसरा यूनिवर्स जो होता है ना सर, उसके भी टाइमिंग सेट अलग होती है किसी के। यूनिवर्स एक है सर, आप तो आर्किटेक्ट हैं, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए। यूनिवर्स एक है, उसके अंदर गैलेक्सीज है, उन गैलेक्सीज के अंदर अपने सोलर सिस्टम है, ठीक है, और वो हम जिस सोलर सिस्टम में, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं मिल्की वे, हमारा अपना सोलर सिस्टम है, और हर हर गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है, राइट सर? कहीं दो सूरज भी हैं, कहीं 4 सूरज भी हैं। दो नहीं, बहुत ज्यादा हैं। अभी आप स्पेस में चले जाएं, अभी आप स्पेस में चले जाएं ना, तो दिन, मैं बताऊं आपको, सुनिए, अगर आप स्पेस में चले जाएं तो वहां रोजाना आप सूरज को तुलू और गुरूब होते हुए कम से कम 6 मरतबा देखेंगे 24 घंटे की। सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि वो जो सोलर आप पूरी गैलेक्सी का, अब आपने इसको तो छोड़ दिया, आपने कहा इस गैलेक्सी सूरज बिना सूरज के उन्होंने पूरी गैलेक्सी बना दिया, आप ये कह रहे हो, ठीक है जी। तो मैं वही कह रहा हूँ, पूरी गैलेक्सी को बनाने से पहले वो जो टाइम का जो काउंट किया था, मैंने आपसे ये आप चूंकि टाइम अपनी इस दुनिया का काउंट करते हैं इस सूरज के एतबार से, तो आप वही अटके हुए हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब हम गैलेक्सी से बाहर निकलेंगे तो जहां सूरज नहीं है, टाइम तो वहां पर भी है ना। अगर मान लीजिए, अगर सूरज से ही रिलेटेड टाइम रहता, अगर सूरज से ही रिलेटेड टाइम रहता तो फिर टाइम वहां खत्म हो जाता जहां सूरज ना होता, लेकिन वहां भी टाइम होता है, तो हम वहां टाइम कैसे काउंट करते हैं? जैसे वहां करते हैं वैसे वहां इससे पहले किया। जब आप टाइम को, टाइम के, आप एक वीडियो में आप कह रहे टाइम के बियॉन्ड है अल्लाह, हाँ बिल्कुल, टाइम के बाहर बता रहे थे ना, हाँ बिल्कुल, टाइम के बाहर बता रहे, तो टाइम की जो पैदाइश है वो भी तो बताएंगे ना अल्लाह। जब अल्लाह ने यूनिवर्स की पैदाइश बता दी तो टाइम की पैदाइश क्यों नहीं बताई अल्लाह ने? बताया ना कि टाइम उसने पैदा किया, बताया, बस इतना काफी है। कैसे किया? ओरिजिन बताओ ना सर टाइम का। क्या क्या अल्लाह ताला की हमारे से कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि हम उनसे पूछेंगे नहीं जी आप हमें बताएं कि कैसे पैदा किया तभी हम यकीन करेंगे? अल्लाह ताला ने कुरान में एक स्टैंडर्ड, सुनिए, अल्लाह ताला ने कुरान में एक स्टैंडर्ड दे दिया कि उसने कहा कुन फयकून, उसने कहा हो जा तो वो हो गया। अल्लाह ताला ने टाइम को उसी तरीके से पैदा किया, अल्लाह ताला ने ये स्टैंडर्ड दिया है, बस। इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड हमें मालूम ही नहीं चुका, उसने दिया ही नहीं।
अरला ने सारा डिटेल दे दिया, धरती का बिछाना, पहाड़ का गाड़ना, झरनों का बहाना, सब कुछ बता दिया अल्लाह ने। मगर अल्लाह ने ये नहीं बताया कि टाइम का कैसे ओरिजिन हुआ, टाइम को बनाया कैसे। अब आप मेरी बात सुनिए, अल्लाह ताला ने बता दिया, अल्लाह ने पेड़ बता दिया, पौधे, फेल, ये सब बता दिया। अल्लाह ने अभी तक ये नहीं बताया कि टाइम को कैसे पैदा किया। अब जरा आप खामोश हो जाइए, अब मेरी बात सुनिए। ये जो अल्लाह ताला ने पौधे, पहाड़, दरिया सब बनाए, कहां बनाए? इस दुनिया में बनाए ना सर, मतलब पारो गाड़े थे ना, इस दुनिया में बनाए ना। वो तो सर गाड़े थी नहीं, पास इसी दुनिया में बनाए ना, इसी दुनिया में बनाए ना, इसी दुनिया में बनाए ना, गाड़े थे ना सर, इसी दुनिया में ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब इस दुनिया में जो ये सब चीजें इस दुनिया में है, तो इस दुनिया में हम टाइम कैसे काउंट करते हैं? सूरज के वजह से सर। उसने बताया कि सूरज बनाया, तो टाइम के बारे में तो बता दिया। देखिए ऐसा है, आपने अभी 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 आप कह रहे सर सूरज बनाया अल्लाह ने, तो सूरज बनाया तो सूरज से पहले सर सूरज नहीं था, तो टाइम को कैसे काउंट कर लिया? फिर वही आप आ गए, मैंने तो उसका जवाब दे दिया है, मैंने उसका जवाब दे दिया। देखिए, आपने कहा कि अल्लाह ताला ने सारी चीजें बता दी कि आसमान बनाया, पहाड़ बनाया, है ना, सब बताया ना, टाइम नहीं बताया। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें कहाँ बनाई? जमीन में बनाई ना सर? नहीं, अल्लाह ने पता नहीं कहाँ बनाए, मुझे पहाड़ कहाँ रखे हुए थे मुझे नहीं पता। नहीं, रखे तो यहीं पर ना, जमीन पर रखे ना। मैं पूछ रहा हूँ कि ये पहाड़ चाहे जहां भी रखे थे, फिलहाल तो जमीन पर रखे है ना? नहीं, वो रखे सर फिलहाल। ठीक है, अच्छा, टाइम हम कहां से, हम टाइम के जब हम बात करते हैं तो टाइम भी तो जमीन ही का होगा ना। तो जब हम, आप मुझसे टाइम के बारे में सवाल करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सब चीजें बता दी, और अब आप ये मुझे टाइम क्यों नहीं बताया, तो अब टाइम भी तो जमीन ही का होगा ना। जब सब चीजें जमीन पर बनाई है, तो टाइम भी तो जमीन ही का होगा ना। तो सर जमीन का तो, हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, जमीन का टाइम होगा हमारे, है ना, वही तो होगा ना। हाँ सर, इसी का मैंने जवाब दिया कि उस टाइम को काउंट करने के लिए उसने सूरज बना दिया। तो सूरज से पहले टाइम को, ताकि मैं और आप, ताकि मैं और आप आसानी के साथ उस टाइम को काउंट कर लें। ठीक है, अब मेरा अच्छा। सवाल आपसे यह था कि जहां सूरज नहीं है, वहां टाइम है कि नहीं? आपने कहा वहां टाइम है, वहां कैसे काउंट होता है? मुझे भी बता दीजिए वहां टाइम कैसे काउंट होता है। वेरी गुड सर, मतलब अल्लाह ने पहले ये वाला यूनिवर्स बनाया, अपने वाला सूरज वाला, फिर बाद में दूसरे बनाए थे यहाँ के लिए अलग अलग यूनिवर्स। ऐसा है, मैं समझता हूँ कि आपसे साइंस के ऊपर बात करना टाइम का जिया होगा। सर आप बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप अगर क्लियर ना होना चाहें तो बात अलग है सर, आप इसको क्लियर ना होना चाहें। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए कॉन्सेप्ट जो है मेरे तरफ से बिल्कुल क्लियर है। आप उसको माने ना माने वो आपका इख्तियार है सर, आप उसको माने ना माने वो आपका इख्तियार है सर। मैं साइंस स्टूडेंट था सर, मैं आर्किटेक्ट हूँ सर, साइंस स्टूडेंट, मुझे इसी पर चाहिए हो रही है, मुझे इसी को आप कभी कह रहे हैं, अभी कभी कह रहे हैं कि आपने यूनिवर्स के टाइम के काउंट किया, वहां से आप कह रहे हैं कि इस वाले से टाइम, इस यूनिवर्स के हिसाब से टाइम काउंट किया, कभी करें कुछ, कभी कुछ। आप एक बात पे रहे ना, आप या तो कहें कि पूरे यूनिवर्स के हिसाब से टाइम काउंट किया था, आप कहें कि इस सूरज के हिसाब से टाइम काउंट किया था, आप इसलिए आप नेक्स्ट 2 मिनट्स तक अब आप मुझे बोलने देंगे, ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं डिबेट करके। देखिए, बोलिए बोलिए, मेरी तरफ से जो जवाब है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया, उस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उस गैलेक्सीज में हमारा सोलर सिस्टम है जो एक गैलेक्सी का एक हिस्सा है। टाइम जो है वो इस कायनात में पूरी जगह है, जिस कायनात का हिस्सा है और इस यूनिवर्स का हिस्सा है, और सोलर सिस्टम के अंदर जो भी प्लैनेट्स हैं और जो भी चीजें बसती हैं वो अपना टाइम इस सूरज के जरिए काउंट करते हैं। जब हम इस सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हैं जहां ये सूरज नहीं है, टाइम वहां पर भी है, तो इसका मतलब यह है कि वहां भी कोई ना कोई मेथड टाइम के काउंट करने का होगा, सिर्फ सूरज ही एक मेथड टाइम के काउंट करने का नहीं है। अब आपकी तरफ से यह सवाल आया कि भाई अल्लाह ताला ने यह सब पूरी कुरान के अंदर बयान किया कि उसने पहाड़ बनाए, उसने पौधे बनाए, उसने जानवर बनाए, लेकिन ये नहीं बयान किया कि उसने टाइम बनाया। मेरा जवाब यह है कि चूंकि उसने जमीन के बारे में सारी चीजें बयान की हैं, पहाड़, पौधे, दरख्त सब जमीनी के ऊपर हैं, तो उसने जमीन के टाइम को बयान किया है, क्योंकि जमीन का जो टाइम है वो हम सूरज के जरिए कैलकुलेट करते हैं। हाँ, अगर अल्लाह ताला ये कहता कि इस कायनात के अंदर मैंने मिल्की वे बनाया और मिल्की वे के आगे फला गैलेक्सी बनाई और फला गैलेक्सी के आगे फला गैलेक्सी बनाई, तो अब ये फितरी तौर पर सवाल होता कि अच्छा वहां टाइम हम कैसे काउंट करते हैं? जब उसने वहां की कोई बात ही नहीं की, बात इस दुनिया की हो रही है, तो टाइम भी इसी दुनिया का बयान किया जाएगा। ये अल्लाह ताला के जो करेंगे पता हुआ ना,
बाकी बात तो जब करेंगे ना अल्लाह को पता होगा आप इस चीज को कैसे आप मतलब अपनी तरह से घुमा रहे हैं। आर्या जी अल्लाह को पता होगा डिसेंसी के साथ, मैं आपको टाइम कराऊं डिसेंसी के साथ। आप मैं परमेश्वर के बारे में कभी गलत नहीं बोलूंगा, आप अल्लाह ताला के बारे में कभी गलत। मैं तो सीधा सर अल्लाह को पता नहीं ना, ये तो आपका दावा हुआ ना, पता होता। अब देखिए मेरी तरफ से, अब मेरी तरफ से बात क्लियर हो गई, अब ठीक है, अब लेट द ऑडियंस डिसाइड कि उनको समझ में आया नहीं, वरना हम यहीं पर स्टक रहेंगे। अब मुझे आप ये बताइए, इस्लामिक क्लियर, इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, अब आपके समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दैट्स योर ऑप्शन। दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को जरूर से लाइक कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।